50% से ज्यादा समस्याओं का जो मूल कारण है वो जनसंख्या विस्फोट है। दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे भारत में पैदा हो रहे हैं। पिछले साल दिसंबर में 125 करोड़ आधार बन गया था, एक साल पहले की पुरानी बात बता रहा हूं आपको, और 20% लोगों के पास आज भी आधार नहीं है। तो 125 करोड़ आधार वाले और 20% बिना आधार वाले, यानी 25 करोड़ और, तो जनसंख्या हमारी 150 करोड़ हो गई। जमीन दुनिया की मात्र 2%, पानी दुनिया का मात्र 4%, और जनसंख्या दुनिया की 20% हो गई है। पर डे जितने बच्चे अमेरिका में पैदा होते हैं उससे 7 गुने बच्चे भारत में पैदा होते हैं। पर डे जितने बच्चे चीन में पैदा होते हैं उसके 2 गुने बच्चे भारत में पैदा होते हैं। पर मिनट 50 बच्चे पैदा हो रहे हैं भारत में। ये जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे पैदा हो गए। अकेले 2020 में 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे पैदा होंगे। इतना रोजगार कभी नहीं आएगा। जब तक सरकार 2 करोड़ घर बनाएगी तब तक 10 करोड़ बेघर और पैदा हो जाएंगे। हमारी 50% समस्याओं का जो मूल कारण है वो जनसंख्या विस्फोट है। जल जंगल जमीन की समस्या, रोटी कपड़ा मकान की समस्या, गरीबी भूखमरी कुपोषण की समस्या, अलगाववाद आतंकवाद कट्टरवाद की समस्या, चरमपंथ की समस्या, जितनी भी समस्याएं हैं इन सभी समस्याओं का जो रूट काज है वो जनसंख्या विस्फोट है। इसलिए मैं कहता हूं हमारे संविधान में इसकी व्यवस्था है। संविधान में ऑलरेडी पड़ा हुआ है जनसंख्या नियंत्रण कानून, वेंकट चलैया कमीशन ने रिकमेंड किया हुआ है, और भी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके जनसंख्या विस्फोट रोका जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं सारा काम छोड़िए, सबसे पहले चीन की तरह एक कठोर और प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाइए।